हेलो एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल यू पीपल बॉर्न ऑन 25th of April। आप लोगों को आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका ये वाला साल क्या लेकर आया है 2016। आप लोग जानते हैं आप अपना बर्थडे किसके साथ शेयर करते हैं। आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं फेमस एक्टर अल पचिनो के साथ, जिन्होंने गॉडफादर में काम किया था। एंड साथ ही साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं रेडियो और टेलीग्राफ के इन्वेंटर आविष्कारक मार्क कोनी के साथ भी। और आप लोग भी ऐसे ही होते हैं। आप लोगों को कहा जाता है पीपल ऑफ अ फिजिकल प्रेजेंस, मार्क्ड प्रेजेंस, यानी आप अगर कमरे में आते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों की निगाहें आपकी तरफ हो ही जाती हैं। भले ही आप कोई बहुत बड़े विशालकाय भीमकाय किस्म के व्यक्ति ना हो, लेकिन फिर भी लोग जो हैं ऑटोमेटिकली आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसा अक्सर दिखाई देता है। आप लोग अपने काम के लिए काफ़ी कमिटेड होते हैं और आप लोग जो होते हैं मोर देन वर्ड्स यू बिलीव इन एक्शन। आपके लिए ज़रूरी है कि भाई जो आप कहें सो करके दिखाएं और नहीं भी कहें तो भी करके दिखाएं। इसलिए वो कहा जाता है कि जो मैं नहीं कहता वो तो मैं ज़रूर करता हूँ। उस तरह की चीज़ें भी आपके साथ अक्सर होती हैं। आपको ये बता दें कि आपकी लव लाइफ इस साल में बहुत अच्छी जाएगी। 2016 में मुझे लगता है आपको आपके मन का मीट सोल मेट मेट फॉर ईच अदर वाला व्यक्ति मिलने वाला है, तो यू कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस। हो सकता है किसी की शादी हो जाए, किसी की सगाई हो जाए, कोई कमिटमेंट कर दें आप, बट चांसेस आर कि ऐसा होगा। फाइनेंसिस में हो सकता है कि आपको छोटा मोटा लॉस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद उतनी सफलता ना मिले जितना कि आप सोच रहे थे। यानी अगर आप सोच रहे थे कि आपको 100 का प्रॉफिट मिलेगा, तो वो 100 ना होके से अबाउट 40 हो जाए प्रॉफिट। होगा तो प्रॉफिट ही, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हैं। और जहाँ तक फैमिली है आपकी, मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली को बहुत समझा कर रखना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली किसी ना किसी बात को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी फैमिली में आपको लेकर। यानी आप कर कुछ रहे हैं और हो सकता है फैमिली किसी और ही कारण को ढूंढना शुरू कर दे। दे माइट थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग एल्स फॉर सम अदर रीज़न ऑल टुगेदर। आपके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर में मुझे लगता है कि आप इतने कमिटेड शायद नहीं हो पाएंगे जितना कि आपको होना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि यू नो बहुत अच्छी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, लेकिन पूरा करके ना दिखाता हो काम। ये भी हो सकता है कि आप खुद ऐसे बंदे बन जाएं। भैया इस चीज़ से बचें, क्योंकि आपकी जल्दी ही पोल खुल जाएगी अगर आप ऐसे बने रहेंगे तो। ऑब्स्टेकल्स तो मैं कहूँगी कि आपके सामने बार बार सेम तरह की रुकावटें आएंगी, यू नो वही चीज़ें बार बार, जैसे कई बार आ चुकी हैं, कई बार डील कर चुके हैं, ठीक ही नहीं होती, फिर वही आ रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं जो कि आपको मतलब परेशानी कर सकती है। और हेल्थ का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, ऑल आई कैन से फॉर यू इज़ कि आपको थोड़ा सा सर्दी से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप एक्सेप्ट सर्दी की शिकार हो जाए। खैर अभी तो सर्दी के सोचने की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे भी तो पूरा साल बचा है, आप हो सकता है सर्दी से परेशान हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके लिए हम आपके 2016 के सौभाग्य स्कोर में आपको दे सकते हैं हैप्पीनेस क्वेश्चन, आपका जाएगा अबाउट 3/10।